नमस्कार, आप देख रहे हैं इंटरनेशनल टीवी और मैं हूं आपके साथ वंशिका चौहान। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के न्यूज बुलेटिन की ताजा खबरों के साथ। लगातार चौथे दिन कोरोना के नए मामले 1,00,000 से कम, 24 घंटों में 3,403 मरीजों की मौत। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक कोरोना के 91,702 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 2,92,74,823 हो गए हैं, जबकि इस संक्रमण से 3,403 लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान में विधायकों और मंत्रियों की निगरानी, हर रोज मूवमेंट की देनी होगी जानकारी। सूत्रों के मुताबिक पायलट गुट की बगावत के बाद गहलोत ने विधायकों और मंत्रियों की निगरानी शुरू कर दी है। हर सुबह 11 बजे अधिकांश मंत्रियों और विधायकों के PA को मूवमेंट की जानकारी देने के लिए कहा गया है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, पेट्रोल पंपों के सामने करेगी प्रदर्शन। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष पवन बंसल, महासचिव KC वेणुगोपाल, हरीश रावत और अजय माकन शुक्रवार को ईंधन वृद्धि के खिलाफ राष्ट्रीय राजधानी में विभिन्न स्थानों पर विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करेंगे। UP के CM योगी आदित्यनाथ आज PM मोदी और BJP अध्यक्ष JP नड्डा से मिलेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और BJP अध्यक्ष JP नड्डा से मिलेंगे। CM योगी 2 दिनों के लिए दिल्ली के दौरे पर हैं। इससे पहले कल उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। मई में 121 साल में दूसरी सबसे ज्यादा बारिश हुई, लू नहीं चली, IMD। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD ने बृहस्पतिवार को अपनी मासिक रिपोर्ट में कहा है कि इस साल मई माह सर्वाधिक बारिश के मामले में पिछले 121 सालों में दूसरे नंबर पर रहा है। वैक्सीन लेते हुए शरीर में पैदा हुई चुंबकीय शक्ति, जिला प्रशासन ने भेजा वीडियो। महाराष्ट्र के नासिक जिले से एक बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक परिवार का दावा है कि कोरोना वायरस की दूसरी डोज के बाद उनके परिवार के एक बुजुर्ग सदस्य के शरीर में चुंबकीय शक्ति पैदा हो गई। पेट्रोल और डीजल के दाम उड़ा देंगे होश, आज इतना महंगा हो गया है तेल। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ताबड़तोड़ वृद्धि का सिलसिला बदस्तूर जारी है। शुक्रवार को तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी कर दी है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को थप्पड़ मारने वाले शख्स को 18 महीनों की जेल की सजा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान थप्पड़ मारने वाले व्यक्ति को 18 महीने जेल की सजा सुनाई गई है, लेकिन इसमें से 14 महीनों की सजा निलंबित कर दी गई है। असम के CM की मुसलमानों से अपील, गरीबी की वजह जनसंख्या में अनियंत्रित वृद्धि, फैमिली प्लानिंग करें। असम के 3 जिलों से अतिक्रमित जमीन से कई परिवारों को खाली कराने के कुछ दिन बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने गरीबी कम करने के उद्देश्य से जनसंख्या नियंत्रण के लिए मुसलमानों से उचित फैमिली प्लानिंग नीति अपनाने का अनुरोध किया है। ठाकरे मोदी मुलाकात के बाद महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचल तेज, शरद पवार ने दिलाई बाल ठाकरे की याद। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिल्ली में मुलाकात के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इस मुलाकात के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP अध्यक्ष शरद पवार ने उम्मीद जताई है कि महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। सिद्धू को 10 दिन में सुनाया जा सकता है तो पायलट को क्यों नहीं, सोलंकी। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की नाराजगी की खबरों के बीच उनके समर्थक विधायकों ने उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों के समाधान पर देरी पर नाराजगी जताई है। पायलट कैंप के विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने कहा है कि पंजाब की तर्ज पर राजस्थान में भी पायलट की आवाज सुनी जाए। श्रीलंका दौरे के लिए टीम इंडिया में नए चेहरों को मिला मौका, शिखर धवन संभालेंगे कप्तानी। BCCI ने श्रीलंका दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है। इस दौरे पर भारतीय टीम वनडे और T20 सीरीज खेलेगी, जिसके लिए टीम की कमान शिखर धवन को सौंपी गई है। BJP को वर्ष 2019-20 में मिला 785 करोड़ रुपए का चंदा। BJP को वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान व्यक्तिगत दान, चुनावी न्यास और उद्योग समूह से कुल 785 करोड़ रुपए का चंदा मिला, जो मुख्य विपक्षी कांग्रेस को इसी अवधि में मिले चंदे के करीब 5 गुना है। शहनाज गिल को फोटो में पहचान नहीं पाए फैंस, मुंबई की बारिश एंजॉय कर रही हैं पंजाब की कैटरीना कैफ। शहनाज गिल ने इंस्टाग्राम पर नई फोटो शेयर की है। फैंस का कहना है कि वो इस लुक में काफी बदली हुई नजर आ रही है। फ्रेंच ओपन महिला एकल फाइनल में भिड़ेंगी बारबोरा और अनास्तासिया। अमिताभ बच्चन ने पुराने दिनों को किया याद, थ्रोबैक फोटो शेयर कर दिखाया पहले किस तरह से प्यार जताते थे फैंस।
अमिताभ बच्चन ने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर किया है जिसमें वो एक बच्ची को ऑटोग्राफ दे रहे हैं। बिग बी को अपने सामने देखकर वो बच्ची बहुत उत्साहित और खुश है। इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड सेकंड टेस्ट डे 1। भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव के खिलाफ शिकायत दर्ज, महिला के अपमान का आरोप। इस शिकायत में कहा गया है कि खेसारी फूर्ता भरे गाने गाता है और बनाता भी है, ये सभी गाने अश्लीलता को बढ़ावा देते हैं। सुरेश रैना ने की ग्रेग चैपल की तारीफ, कहा उन्होंने टीम इंडिया को सिखाई ये खास चीजें। उन्होंने कहा हम सभी उस वक्त अच्छा खेल रहे थे लेकिन मुझे याद है कि उन्होंने लक्ष्य का पीछा करते हुए बल्लेबाजी लड़खड़ाने के बारे में अवगत कराया था। इंग्लैंड में सफल होने के लिए विराट कोहली से टिप्स ले सकते हैं रोहित शर्मा, रमीज राजा। दरअसल इंग्लैंड में सफल होने के लिए टीम के तीन पक्ष को मजबूत होना बेहद जरूरी है। इसमें सलामी बल्लेबाज, सलामी गेंदबाज और विकेटकीपर आते हैं।